रहीम आप इजी वीजा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे एक मुकम्मल इंफॉर्मेशन देंगे फाइव स्टार एवियशन ताउन से दुबई की जो वीज़ा पॉलिसी आई है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर विजिट वीज़ा फॉर टूरिस्ट वीज़ा एंड फॉर लॉन्ग वीज़ा लॉन्ग टर्म वीजा जो है इसके अलावा रेजिडेंस वीजा की भी मालूम दे दूंगा आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट करने हैं अगर आपने उनमें गलती की कोई कमी छोड़ी तो आपकी फ्लाइट कैंसिल हो सकती है आप ऑफलोड हो सकते हैं आप आपको अपने एयरपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान में या दुबई के एयरपोर्ट के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है तो मैं आपको ए टू जी सारे स्टेप बताऊंगा आपने बिल्कुल फॉलो करना है ए टू जी फॉलो करना है और इस वीडियो को आपने स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल देखना है अगर आप ट्रेवल एजेंट हैं तब भी और अगर आप क्लाइंट हैं तब भी ये तमाम चीजें आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए ताकि आप या आपका क्लाइंट जो है वो सफर ना करे सबसे पहले हम डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं मेरे सामने स्क्रीन के ऊपर है मैं आपसे शेयर कर रहा हूं वो ये है कि फोर्टीन डेज का वीजा होता है या वन मंथ का वीजा होता है वो एक ही कंसिडर होता है इसके अलावा सिंगल एंट्री का नाइनटी डेज का वीजा भी होता है इसको आप लॉन्ग टर्म वीजा कह सकते हैं फॉर थ्री मंथ कह सकते हैं मतलब तो उसको आप लॉन्ग टर्म कहें थ्री मंथ का आप कह सकते हैं आपको चाहिए पासपोर्ट ओरिजिनल ठीक है ये आपको अगर आपका एजेंट है तो आप उसको स्कैन भेज सकते हैं स्कैनिंग के ऊपर काबिल कबूल है लेकिन आपको पता है कि आप उसका जो रेजोल्यूशन है वो इतना हो कि वो बिल्कुल क्लियर कट पढ़ा जा, पढ़ा जा सके उसी के साथ आप उसको व्हाइट बैकग्राउंड की एक पिक्चर भी सेंड कर दें और सीन एन आईसी की कॉपी भी सेंड कर दें अब हम पहले स्टेप में बात कर रहे हैं वीजा इश्यू करवाने के हवाले से तो उसके हवाले से दिमाग में डाल लीजिए कि जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तो उस टाइम आप जब डॉक्यूमेंट दे रहे होते हैं तो मैंने वैक्सीनेशन का जिक्र नहीं किया इसका मतलब ये हुआ कि वीजा आपके पास बगैर वैक्सीनेशन के आ जाएगा वीजा आ जाता है वीजा नहीं रोक रहे लेकिन मसला आपको पता है कि जब एयरलाइन का टिकट आप लेंगे तो वहां से मामले को आपने शुरू करना है जब आप एयरलाइन का टिकट लेंगे तो वो आपको कंफर्म कर देंगे आपको खुद ही इन्फॉर्म कर देंगे कि आपके पास ये वैक्सीन होनी चाहिए लेकिन आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो वैक्सीनेशन यू ए कबूल करता है उसकी लिस्ट जो है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे इस वीडियो के नीचे अगर आप हमारे नाम पर क्लिक करेंगे ईजे वीजा पे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा आप वहां से वो लिस्ट कॉपी कर सकते हैं जब आपके पास टिकट आ चुका है आपके पास वीजा आ चुका है तो आपका पी होगा जब भी आप विजिट वीजा अप्लाई करेंगे या रेजिडेंस वीजा अप्लाई करेंगे तो जब आपकी फ्लाइट होगी उस टाइम से लेकर 48 घंटे के अंदर अंदर आपने वो पी टेस्ट अपना करवाना है ये आपके पास होना चाहिए मगर मैंने कहा कि वो 48 घंटे ज्यादा का ना हो इसके अलावा जब आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो आपका एक रैपिड टेस्ट भी होगा पी का और ये तकरीबन तकरीबन मे ना घंटे पहले जाना आपको जाना हो यानी कि जल्दी पहुंचना है आपको फॉर एग्जाम्पल हम आधी किसी के हैं दो घंटे पहले तीन घंटे पहले चार घंटे पहले तो आप छह से आठ घंटे पहले जाएंगे ताकि इस टेस्ट से भी आप गुजरें यह इजाफा है अब यह भी आप दिमाग में डाल लीजिए कि जब आप लैंड करेंगे इन दुबई एयरपोर्ट के ऊपर तो वहां पर भी आपका जो पीसीआर टेस्ट है वो होगा दिन इन तमाम के जो कॉस्ट मुझे नजर आ रही है तकरीबन साढ़े छह हजार रुपए ईच आप रख लें ये खर्चा आपका तकरीबन तीन दफा हो सकता है अब दुबई स्टेट खुली है पहुंचने के लिए तो आप दुबई स्टेट जा सकते हैं जिन्होंने शारजा जाना है जिनके पास शारजा इशूड वीज़ा है या अबूधाबी जाना है तो वो लोग भी पहुंच सकते हैं दुबई उनको वहां से बस के जरिए और अलग अलग तरीक़ों से दुबई से शारजा या अबू धाबी वगैरह शिफ्ट किया या अजमान वगैरह शिफ्ट किया जा सकता है पाबंदी नहीं है अब जो सबसे जरूरी बातें हैं वो आपने नोट करनी है उनमें गलती नहीं होनी चाहिए वो ये है कि अब ये बात आप दिमाग में रखिए कि जब आप दुबई उतर रहे होंगे तो आपके पास आईसीए की अप्रूवल होना लाजमी है आईसीए क्या है उसकी अप्रूवल कैसे लेनी है फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जब आप जाना है वहां से आपने उसका लिंक खोलना है लिंक में फॉर्म खुल जाएगा फॉर्म फिल करना है जब आप फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे एक कोड जनरेट होगा इसके अलावा ग्रीन सिग्नल आपको मिलेगा जिसके बाद आप वहां जा सकते हैं जिन लोगों के पास रेजिडेंस वीजा है वो लोग भी आई की अप्रूवल के साथ दुबई जा सकते हैं बाद में वो शारजा या अबुधाबी शिफ्ट हो सकते हैं जो लोग रेजिडेंट हैं उनको एक फॉर्म और भरना पड़ेगा और उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर रहे हैं और वो है जी डी आर एफ ए जी डी आर एफ आर ए जो है विद इन अ वन मंथ आप ट्रैवल कर सकते हैं जब आपको अप्रूवल मिल जाएगी तो आप उसके साथ विद इन अ वन मंथ ट्रैवल करना लाजमी है वरना वो एक्सपायर हो जाएगा एक बात दिमाग में रखिए चाहे आप फाइव स्टार एविएशन से वीजे की बात करें या आप पाकिस्तान में किसी भी एजेंट से आप वीजे की बात करें तो एक बात दिमाग में रखें कि जिसके पास भी आप जाएंगे वीजा के लिए वो आपसे वो पुराना रूल जो है जो हमेशा ही एप्लीकेबल रहा है वो है रिटर्न गारंटी कि आप वापस आएंगे इस बात की जमानत आपने किसी भी शक्ल में देनी होती है अब वो डिपेंड करता है आपकी और आपके ट्रेवल एजेंट की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि आप उसके लिए कितने शनासा शनासा हैं कितना आपको वो जानता है रेगुलर क्लाइंट हैं जानते हैं या पड़ोसी हैं या फैमिली मेंबर हैं या दोस्त हैं या वट जो 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 अगर आप बिल्कुल भी अनोन है तो फिर आप क्यों यहां पर आए हैं और आपको किस तरीके से हम इंश्योर करें कि आप रिटर्न होंगे ये तमाम चीजें होती हैं जो आपसे मांगी जाएंगी इनके ऊपर कोई आपको एतराज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप वापस नहीं आते या डिले हो जाते हैं ड्यू टू एनी रीजन तो फिर उसके ऊपर पलेंटी अप्लाई होती है और एजेंट को उस पलेंटी को भरने से ही जान बचानी होती है और इन तमाम बातों में आपने ये बात माइंड रखनी है कि किसी के समय कोई क्वारंटाइन कहीं पर भी नहीं होगा आप पाकिस्तान में आप पाकिस्तान से उतरने के बाद दुबई में और किसी भी तौर आप कहीं पर कोई क्वारंटाइन नहीं होगा आप डे वन से फ्री होंगे एयरपोर्ट से बाहर निकलिए और अपने काम सर अंजाम दें मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम मालूम आपके लिए काफी है अगर फिर भी कोई सवाल हों तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो जितना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है इसके ऊपर इक्तफा कर लें और इसके बाद अप्लाई करने की तरफ जाए बजाय आप इंफॉर्म मेशन की तरफ गैदरिंग करने की तरफ जाएं इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें है नहीं अल्लाह हाफिज